गाइस, दही भल्ला बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगता है। चलिए अब हम दही भल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप यहाँ पे उड़द का दाल ले लिए हैं और यहाँ पे 1 घंटे के लिए पानी में हम भिगो कर रखेंगे। गाइस, जब हमारा दाल फूल चुका है, अब हमें इससे बाहर निकालना है पानी से, तो हमें इस तरह से दाल को थोड़ा थोड़ा करके छान लेना है ताकि इसका पानी बाहर निकल जाए। तो हमने इस प्रकार से दाल को छान लिया है। वेलकम गाइज टू आनंदी किचन। आनंदी किचन में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा दाल अच्छे तरीके से पानी से बाहर निकल चुका है। अब इसे हमें मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। तो हमने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिए हैं और इसे ग्राइंड कर लिए हैं। अब देखिए, हमारा दाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसे हमें फेंटना है, तो हमें इस प्रकार से हाथों की सहायता से हमें फेंट लेना है। हमें एक थाली या फिर बड़ा बर्तन लेना है जिसमें हमारा दाल अच्छे से फेंटा सके। तो यहाँ पे हमें पानी कमी पड़ रही है, तो हमें थोड़े थोड़े से बारी बारी से पानी डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है गाइज, नहीं तो हमारा बैटर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। देखिए, हम इस तरह से हाथों की सहायता से अच्छे से हमें इसे 10 से 15 मिनट तक फेंट लेना है। हम बैटर को ज़्यादा फेंटेंगे तो इस प्रकार से हमारा भल्ला बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइज, इस तरह का भल्ला बनाने के लिए आपको ऐसे ही हाथों की सहायता से कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में हमें काफ़ी समय तक फेंटना है ताकि भल्ला हमारा सॉफ्ट और मुलायम और स्पंजी बनके तैयार हो सके। गाइज, जब तक हम अपना बैटर तैयार कर रहे हैं, अपना भल्ले को हम फेंट रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। हमें तब तक फेंटना है जब तक पानी में बैटर तैरने न लगे। गाइज, इसको फेंटने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा ना, बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम भल्ला बनके तैयार होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे फिटेंगे ना, तो ऐसे ही भल्ला स्पंजी और एकदम सॉफ्ट मुलायम, देखिए दाबने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही भल्ला बनके तैयार होगा। तो गाइस, हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम पानी से टेस्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम पानी में छोड़ रहे हैं अपने बैटर को, तो ये तैर रहा है, यानी हमारा भल्ला बनने के लिए एकदम सा तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच नमक ले लिए हैं और 1/2 कटा हुआ अदरक, ज़्यादा अदरक नहीं डालना है गाइस। तो यहाँ पे हमें 1/2 अदरक कटा हुआ डाल रहा है और यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले लिए जो हमने कट कर लिया है। इसे अब हमको मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए हमें इसे फेंटना है। तो देखिए गाइस, अब हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये हमारा कच्चा जीरा है, तो हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम भून लिए हैं। अब इसे हम पीस लेंगे सिलबट्टे पे। तो यहाँ पे हम, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिलबट्टे का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हमारा राई भुना हुआ है और इसे भी हमको पीसना है। अब हम चलते हैं गाइस अपने कढ़ाई की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे हम अपना कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे भल्ले। तो देखिए, आप छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आप ज़्यादा भल्ले मत डालिएगा, यानी कढ़ाई में सटने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे भल्ले थोड़ी थोड़ी दूरियों पर करके आप अपने भल्ले को डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा भल्ला एक तरफ से हो चुका है, दूसरी तरफ हम पलट रहे हैं। तो आप किसी नोकीले सामान से आप इसको पलट सकते हैं। तो देखिए, हम धीरे धीरे यहाँ पे एक चाकू की सहायता से हम भल्ले को पलट रहे हैं। तो देखिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस, हमारा भल्ला अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारा भल्ला अच्छे से तैयार हो चुका है। हमें तेल में ज़्यादा टाइम तक से नहीं छोड़ना है, वरना भल्ला हमारा अच्छा नहीं लगेगा। गाइस, भल्ले को धीमी आंच पे पकाना है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं करना है। तो हमें भल्ले को भूरे कलर यानी ब्राउन कलर होने तक इसे हमें पका लेना है। तो देखिए, हमारा ब्राउन कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हमारा भल्ला बन चुका है, अच्छे से अंदर से पक चुका है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप सारे भल्ले को तैयार कर लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, हमारा भल्ला कितना मुलायम और कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है, स्पंजी भी लग रहा है। गाइस, अभी हमारा भल्ला थोड़ा गर्म है, तो इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो हमें 2 कप गुनगुना पानी लेना है और यहाँ पे जितना आपको भल्ला खाना चाहिए, उतना ही भल्ला आप पानी में भिगा सकते हैं, बाकी को आप स्टोर करके रख सकते हैं दूसरे दिन के लिए। तो यहाँ पे हम 5 मिनट पानी में भिगा दिए हैं। अब इसे इसमें से पानी निकाल लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम भल्ले में से पानी निकाल ले रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से भल्ले में से पानी निकाल लीजिएगा। जितना ऑयल है सब पूरा बाहर निकल गया, इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं बचा है।
और बिना ऑयल का ये भल्ला बनके तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे 1 कप दही ले सकते हैं, 1 से 1.5 कप तक दही ले लीजिएगा। उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से चीनी को घोल दीजिएगा ताकि दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमें हरी धनिया ले लिया है, थोड़ी मिर्च ले लिए हैं। अब हमें इसका चटनी तैयार करना है। तो हमारा चटनी बनके तैयार हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें भल्ले का मसाला ले लिए, यहाँ पे चाट मसाला है और ये हमारा भुना जीरा है और ये भुनी हुई राई है पीसा हुआ और यहाँ पे थोड़ा काला नमक है और ये धनिया पत्ती है। तो देखिए गाइस ये हमारा हरी चटनी बनके तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर पे ऐसे ही चटनी बना सकते हैं। और ये हमारा किसान केचप है जो हमें भल्ले के ऊपर छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने दही लिया है, देखिए हमारे दही में चीनी अच्छे से घुल गई है। अब यहाँ पे हम दही को सेव करेंगे जो हम भल्ले में अच्छे तरीके से छोड़ देंगे ताकि अंदर से घुल जाए और दही का भी स्वाद अच्छे से आए। तो हमें इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके दही हमें भल्लों पे छोड़ना है। तो हम देखिए गाइस कितने आराम से इस दही पे, एक एक दही पे भल्ले पे हम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं दही। और उसके बाद मसालों का प्रयोग करेंगे। तो हमने भुना हुआ जीरा प्रयोग कर रहे हैं पहले, तो आप भी जीरा ऐसे ही छिड़किएगा आराम से। और इसके बाद हमें भुनी हुई राई छिड़कना है, तो यहाँ पे हम भुनी हुई राई मिला रहे हैं। उसके बाद हमें चाटों का मसाला यानी काला नमक भी डालना है। तो सबसे पहले हम काला नमक डालेंगे, उसके ऊपर से हम हल्का हल्का सा ये चाट मसाले प्रयोग करेंगे। तो हम आराम आराम से चाट मसाले को इस तरह से भल्ले पे छिड़क रहे हैं। उसके ऊपर से हमें थोड़ी थोड़ी सी चटनी बारी बारी से एक एक भल्ले पर रखना है। तो हम यहाँ पे एक एक बारी बारी तरीके से हम यहाँ पे भल्ले पे चटनी रख रहे हैं। आप भी गाइस जैसे प्रकार से भल्ले पे चटनी रख सकते हैं, एक एक भल्ले के ऊपर हम ऐसे चटनी रख रहे हैं। तो जितना आपको खाना पड़े उसी प्रकार से आप खा सकते हैं, भल्ले पे चटनी रख सकते हैं। ज़्यादा दही का मिक्स ना करिएगा नहीं तो भल्ला ख़राब हो जाएगा, दूसरे दिन आप नहीं खा सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम ये केचप डाल रहे हैं। तो ऐसे ही आराम से थोड़ा थोड़ा सा केचप डाल दीजिएगा, कितना कलर अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा। इसकी एकदम परफेक्ट हमारा भल्ला बनके तैयार हो गया है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल दे रहे हैं। देखिए हमारा भल्ला कितना मस्त बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कलर बहुत परफेक्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा भल्ला कितना सुंदर लग रहा है। और आपको अगर खाना है तो आप इस तरह प्रकार से खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक ही भल्ला एक ही बार में खा जाइएगा ताकि जब मुंह में जाएगा ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लजीज लगने वाला है। तो आप देख लीजिए कितना प्यारा और कितना अच्छा बनके हमारा भल्ला तैयार हो चुका है। गाइस आप भी अपने घर पे ऐसे ही भल्ला बनाकर खाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा भल्ला देखने में कैसा लग रहा है। ये बेहतरीन हमारा दही भल्ला बनके तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, सी यू।